उत्तराखंड से नकली और मिलावटी शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नकली और मिलावटी शराब बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह शराब मिलावटी और घटिया है और इसके सेवन से लोगों की जान को भी खतरा है। उत्तराखंड में बनने वाली देसी गुलाब ब्रांड शराब जो कि सरकारी ठेकों पर विक्रय की जाती है, उसी के तर्ज पर नकली गुलाब ब्रांड देसी शराब बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई कर चार पुरुष तथा दो महिलाओं को पकड़ा गया है। ये लोग शराब में मिलावट करते थे, जिसके लिए उनके पास उपकरण और मशीनें भी मिली हैं। शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल एथाइल को IGL से निकालने वाले ट्रकों के ड्राइवर से समझौता कर उनसे इसे लिया जाता था, जिसे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं IGL के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। पुलिस को अवैध शराब की फैक्ट्री से 112 पेटी अवैध शराब और शराब बनाने के विभिन्न उपकरण मिले हैं। संपूर्ण SOG टीम द्वारा कार्रवाई में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। माननीय CM साहब का निर्देश रहता है कि हमें जो है नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी के तहत हमारा माननीय DGP साहब और IG साहब भी हमें निर्देश देते रहते हैं। आज गदरपुर क्षेत्र में SOG टीम को, विशेष रूप से SOG टीम को गुलरबोध क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जहाँ पर इथाइल अल्कोहल से केमिकल से शराब बना के देसी शराब की, नकली देसी शराब की संपूर्ण फैक्ट्री की भंडाफोड़ हुआ है। नकली देसी शराब बनाने वाला एक अवैध फैक्ट्री का ही हमने भंडाफोड़ कर दिया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।